हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सम स्टडी। आज हम इस वीडियो में EOS-01 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 के बारे में कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि मलाबार नावल एक्सरसाइज और जनरल साइंस के ऊपर नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं EOS-01 के बारे में। तो EOS का फुल फॉर्म अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। दिस EOS-01 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, इसको सफलता से लॉन्च किया गया है। कब? 7 नवंबर 2020 को शनिवार, जो कि 3:12 को इस जो राडार इमेजिंग सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। कब? 7 नवंबर 2020 को। इन दिस सैटेलाइट 9 अदर कस्टमर सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो EOS-01 का लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसमें EOS के अलावा 9 अदर कस्टमर सैटेलाइट भी छोड़े गए हैं, जो कि हम अगले स्लाइड पर पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं, EOS-01 लिफ्टेड ऑफ थ्रू PSLV-C49। तो इसको छोड़ा गया है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-49 से। तो इसको PSLV-C49 से छोड़ा गया है, कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको हम SDSC भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे स्लाइड की। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिशन बाय इसरो इन 2020। 2020 का ये पहला मिशन है इसरो का, जो कि कोविड के कारण कोई भी मिशन नहीं छोड़ा गया था। तो ये फर्स्ट मिशन है इसरो का 2020 का। EOS-01 इज इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट। इसको हम यूज करेंगे एग्रीकल्चरल क्षेत्रों में, फॉरेस्ट्री के क्षेत्रों में, और डाइजेस्टर मैनेजमेंट यानी कि जो साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, उसको हम मैनेजमेंट करने के लिए इस सैटेलाइट को हम भेज रहे हैं। इसमें मेन पॉइंट ये है कि EOS-01 जो है ये एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि हर एक परिस्थिति में हमको क्लियर विजुअल देगा अर्थ का। यानी कि अगर रात हो या दिन हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्लियर इमेज छोड़ेगा। तो द कस्टमर सैटेलाइट्स आर फ्रॉम लुधियाना। तो EOS-01 के अलावा 9 जो कमर्शियल सैटेलाइट हम भेज रहे हैं, लुधियाना से 1, लक्समबर्ग से 4 और USA से 4, यानी कि 9 यहां पर हो गया और EOS-01 यानी कि 10 हम सैटेलाइट को भेज रहे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, और इसके अब के चेयरमैन इस इमेज पर आप देख सकते हैं उनको, इनका नाम के सिवन है और इनका पूरा नाम कैलाश अवधी वो सिवन है, इनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। अगर हम EOS-01 के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो इंस्टॉल किया गया है राडार इमेजिंग, इसके कारण ये प्रॉपर विजुअल देगा और क्लियर विजुअल देगा किसको? इसरो को। यदि कोई डाइजेस्टर आ गया, फॉरेस्ट्री में कोई आग लग गया, इसको हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं इस सैटेलाइट के द्वारा। तो इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि ये सिर्फ भारत के अंदर काम कर रहा है। अब आने वाले समय में इसरो वाले इसको अपडेट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इसरो के चेयरमैन के सिवन है, उनका पूरा नाम कैलाश अवधी वो सिवन है, और इसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को हुआ है। इस स्लाइड पर दिए गए हर एक पॉइंट को आपको याद रखना ही है। EOS-01 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 विल बी द 76th लॉन्च व्हीकल, यानी कि 76वां लॉन्च व्हीकल मिशन होगा श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से, और 51वां फ्लाइट लॉन्च होगा PSLV से, यानी कि
पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ये 51वां फ्लाइट जो कि लॉन्च होगा और 76वां लॉन्च व्हीकल मिशन होगा श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। 76वां लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा से और 51वां फ्लाइट लॉन्च PSLV यानी कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं। तो US-01 का लॉन्चिंग 7 नवंबर 2020 को हुआ है। इसमें हम EOS-01 को मिलाकर 9 अदर यानी कि टोटल 10 जो कि कमर्शियल सैटेलाइट हैं इसको हम स्पेस भेज रहे हैं जो कि इसरो के द्वारा हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल ऑप्शन पर रखें। इसके कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।